से पहले देख सके। आज का भारतीय मुसलमान अतीत का कायर हिंदू था और आज का कायर हिंदू भविष्य का मुसलमान होगा। यह कड़वी बात है। बस कुछ ही सालों पहले तक दुर्गा पूजा बंगाल का मुख्य त्योहार था और आज मुहर्रम हो गया। सोते रहो और मोदी को कोसते रहो। इतिहास गवाह है कि हिंदू ने कभी हिंदू का साथ नहीं दिया, तो बेचारा मोदी अकेले क्या करेगा। क्या कारण था मोहम्मद गौरी से अकेले पृथ्वीराज चौहान ने ही युद्ध किया, बाकी पड़ोसी हिंदू राजा क्या कर रहे थे। क्या कारण था अकबर से केवल मेवाड़ के महाराणा प्रताप लोहा ले रहे थे, बाकी पूरे भारत के राजा कहाँ थे। क्या कारण था महाराष्ट्र के शिवाजी महाराज अकेले अफजल खां और औरंगजेब से युद्ध लड़ रहे थे, बाकी के हिंदू राजा कहाँ थे। जब हिंदुओं की आपसी फूट और घमंड ने इन शूरवीर राजाओं को कभी एक मत और एक साथ नहीं होने दिया, तो बेचारे अकेले मोदी क्या कर लेंगे। सभी देशद्रोही मिलकर इसे भी गिरा देंगे। हमारा देश सैकड़ों हजारों साल से विदेशी आक्रमणों को झेल रहा है। कभी हम सनातनी पूरे विश्व में फैले थे, आज इसी आपसी फूट के कारण भारत में भी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ये आखिरी मौका है, फिर कोई नरेंद्र मोदी जैसा हिंदूवादी शासक नहीं मिलेगा। मन की हल्दी घाटी में राणा के भाले डोले हैं, यूं लगता है चीख चीख कर वीर शिवाजी बोले हैं। पुरखों का बलिदान घास की रोटी भी शर्मिंदा है, कटी जंग में सांगा की बोटी बोटी शर्मिंदा है। खुद अपनी पहचान मिटा दी कायर भूखे पेटों ने, टोपी जालीदार पहन ली हिंदुओं के बेटों ने। सिर पर लानत वाली छत से खुला ठिकाना अच्छा था, टोपी गोल पहनने से तो फिर मर जाना ही अच्छा था। मथुरा अवधपुरी घायल है, काशी घिरी कहारों से यदुकुल गठबंधन कर बैठा कातिल नादिर शाहों से। कुछ वोटों की खातिर लज्जा आई नहीं निठल्लों को, कड़ा कलावा और जनेहू बेच दिया कठमुल्लों को। मुख से आह तलक नहीं निकली धर्म ध्वजा के फटने पर, कब तुमने आंसू छलकाए गौ माता के कटने पर। लगता है पूरी आजम की मन्नत होने वाली है, हर हिंदू की इस भारत में सुन्नत होने वाली है। जागे नहीं अगर हम तो ये प्रश्न पीढ़ियां पूछेगी, गन पकड़े बेटे बुरखे से लदी बेटियां पूछेंगी। बोलेंगी है आर्य पुत्र अंतिम उद्धार किया होता, खतना करवाने से पहले हमको मार दिया होता। सोते रहो सनातन वालो तुम सत्ता की गोदी में, पर सांस आखिरी तक भगवा की रक्षा हेतु लड़ूंगा मैं। शीश कलम करवा लूंगा पर कलमा नहीं पढ़ूंगा मैं। सभी हिंदुओं से प्रार्थना है कि इस वीडियो को एक एक हिंदू तक पहुंचा दीजिए। जय हिंद, जय श्री राम। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई और इस वीडियो को आप